तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो मैंने सोचा मैं डेली जो करता हूँ क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। अभी मेरी आवाज थोड़ी भरी भरी लग रही होगी क्योंकि मैं भी सो के उठा हूँ। तो राइट नाउ अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 करीब और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शाम हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं वो दिखाऊं जो मैं डेली करता हूँ। तो मैं डेली उठ के IIT दिल्ली आता हूँ सुबह सुबह, रनिंग और सारी बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करता हूँ जो मैं आपको ग्राउंड में जाके दिखाऊंगा। तो मैंने इसी कारण आज ये ब्लॉग स्टार्ट करा है। और आपको पता है कि मैंने जिम तो छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है ये लॉजिक नहीं बताने वाला मैं आपको। ग्राउंड में चलते हैं, ग्राउंड में डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्या व्यू है यार, और आज मेरे साथ आशीष भी है। तो पहले जो बेसिक काम होते हैं वो करता हूँ अभी। तो देखो ऐसा लग रहा है कि आज बारिश आई है ना, या हम बहुत जल्दी आ गए। भाई हम 5:40 पे आए हैं और अभी ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बारिश आने वाली है। आप देखो, आपको भी लगेगा कि बारिश आने वाली है, ये बादल। तो भाई मैं यहाँ आता हूँ डेली, यहाँ के तीन से चार चक्कर मारता हूँ और फिर लॉन्ग जंप, ये रहा हमारा ट्रैक, और फिर हाई जंप दोनों करता हूँ यहाँ पे। पहले तो अभी मैं टी शर्ट अपनी चेंज करता हूँ। और आज आशीष की भी मैंने नींद खराब कर दी है, वो भी आया है। तो वर्कआउट से पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, बिकॉज नसें ना खिंच जाए, वो जरूरी है। वैसे आज अंकित भाई आए नहीं है, उनको मैसेज तो करूँगा। मैंने पिछले ब्लॉग में भी देखा हुआ उनको, मैं जब आता था साहिल वाइल के साथ। क्या देख रहा है राइट? और आज आशीष भी करेगा मेरे साथ। Once more sir, back jump. आती नहीं मुझे। कर लो तुम भी भाई, उधर नस खींचेगी अगर रनिंग। मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। शूट तो नहीं कर पाया, बट इसके ये जो पूरा यहाँ से दिख रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, अभी 4 राउंड मारे हैं। पहले 2 करे थे एक दिन पहले जब आया था, फिर 3, आज चौथा था। जब लास्ट राउंड होता है ना, तो आपके जो तलवे होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि आपका सर है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे सांस नहीं बनती, और ये अलग ही कुछ कर रहे हैं। अब बारी आती है जंप की और फिर इसकी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, आशीष शूट करेगा, बिकॉज आशीष वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, इस कारण मैं रनिंग शूट नहीं कर पाया। ये तो मेरा बेसिक था जो मैं स्टैंडिंग में ही करता हूँ। तो अभी 10 ऐसे कुछ मारने हैं, फिर मैं फुल मारूंगा। और आज मुझे यहाँ तक मारना है कम से कम, बिकॉज अंकित भाई ने बोला है कम से कम यहाँ मारनी है इस लाइन पे। तो मेरे पास अभी टोटल 19 ट्राई है, उसमें से देखो मैं कितनी जल्दी हिट कर पाऊँगा। बस अभी जस्ट ये जो लास्ट वाला मैंने करा है उसमें अच्छा था, बट मैंने अपने पैरों को नहीं देखा। आशीष कह रहा है कि वो लाइन पे था, बट मुझे लग रहा है कि वो कम से कम
इतना दूर था, आगे था, तो उसे फाउल मानते हैं अगर जब तक वाइट वाली लाइन पे हमारा पट्टा नहीं आएगा ना, पैर पूरा प्रॉपर उससे पीछे ही होना चाहिए तभी वो माना जाएगा, नहीं तो फाउल होगा। तो अभी मेरे पास पूरे 8 से 9 ट्राई हैं और मैंने छोटे वाले में तो अपना ठीक करा है 5 से 6 फिट, अब बड़े वाले में करेंगे और वो पूरा करेंगे। ये मेरा दोस्त है जो ड्यूरिंग वर्कआउट आता रहता है मेरे से मिलने के लिए, ये सही लगता है और वो उसका बता नहीं सकता, वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, देखो इसकी शक्ल भी मिलती है उससे। बाजू पूरी एक्सरसाइज हो गई है, बस मेरी पुलअप रह रही है, वो वहाँ जाके करूँगा और मेरी हालत देखो और इन दोनों को भी देखो, यहाँ डेली खेलने आ जाते हैं, बस वो ट्रैक पे मूते ना, मुझे यही लग रहा है कि वो मूत देगा। हाँ खत्म, बाय बाय टाटा, ट्रैक पे मूत दिया उसने। तो भाई एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ा सा मुंह वो धो के बैठा पड़ा हूँ और आशीष को क्या खेलना है, बास्केटबॉल खेलना है। अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर घर निकलते हैं, फिर फ्रेश व्रेश होके घर पे मैं आपसे मिलता हूँ। और यहाँ तक व्लॉग देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं। और मैं सोच रहा था, मतलब सोचना क्या, मैं मतलब करूंगा ये 75 हार्ड डे चैलेंज जो होता है वो करने की सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताओ ट्राई करें या नहीं करें, बिकॉज मैंने कभी कोई चैलेंज नहीं करा तो मेरा ये पहला चैलेंज होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि 75 डे वाला चैलेंज हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें, बिकॉज मेरा तो मन था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, तो आप कमेंट करके बताओ कि हमें ये चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस ये बंदा है ना यहाँ से जाने के बाद सोएगा, मैंने इससे पूछा यहाँ से जाके क्या करोगे, तो कह रहे हैं यहाँ से जाते ही मैं सो जाऊँ, देख रहे हो कितना आलसी इंसान है, गौर से देखो भाई इस इंसान को, काली टोपी वाला ही इंसान बहुत ही ज्यादा आलसी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब भर दिन सोता रहता, खाता है सोता है खाता है सोता है, बस इसको यही काम है। और कोई लड़की हो तो प्लीज कमेंट करें, बिकॉज मेरा भाई सिंगल है तो मुझे ये दर्द देखा नहीं जाता। जेठवानी, नेहा जेठवानी के पास ये वीडियो भेज देना, ये उनका बहुत बड़ा क्रश है, अगर कोई टैग कर पाए उनको या डीएम कर दे ये वाली क्लिप खासकर, बिकॉज भाई ने उनका फैन पेज चला रखा है, बहुत कुछ चला रखा है और ये उनसे शादी करना चाहते हैं। Many hours later. उठ जा भाई, यही है वो लड़की जिससे ये करना चाहता है शादी, तो प्लीज इसके पास ये वीडियो भेजे, ये है लड़का देखो बहुत ही प्यारा है। आधा घंटा कितने मिनट हो गए, 1 hour, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, 1 घंटे से ऊपर हो गए, हमें नींद आ रही है बट गर्मी लग रही है और हमें उस कारण नींद नहीं आ रही, तो हम क्या करें। तो भाई फाइनली लाइट आ चुकी है और नींद भी जा चुकी है, तो भाई हमने कल ना एक मद्रासी नमकीन खाई थी वो लेने जा रहे हैं, अगर ये नमकीन यहाँ नहीं मिली तो हम बेरसराय जाएंगे, चलेगा बेरसराय, तो देखो अगर यहाँ मिल जाती है तो यहाँ ले लेंगे नहीं तो फिर बेरसराय जाएंगे, दोनों में से एक जगह। नमकीन की दुकान दिख गई बट हमें नमकीन की वही नहीं पता कि नाम क्या था, तो हम सोच रहे कि हम बेरसराय जाएं, क्या करें बेरसराय चलें, और यहाँ पे ना एक आंटी और लड़की आ रखी है वो नमकीन खरीद कम रही है और ज़्यादा खा रही है, वो भी होता है ज़्यादा खा रही है, आज इसको भी मन में लालच आ रहा है उसको देख के। हमने ना डिसाइड करा कि हम बेरसराय जा रहे हैं, बिकॉज हमें पता है उस नमकीन का नाम तो पता नहीं है, हमें नाम तो पता नहीं, इसलिए हम बेरसराय जा रहे हैं, तो वहाँ से 2-3 पैकेट लेंगे और आशीष ने ही बोला है इसलिए मैं बेरसराय जा रहा हूँ। वैसे हम आ चुके हैं बेरसराय और मेरे को एक बात बोलनी थी, वैसे तो मुझे शॉर्ट्स पहनने में अच्छे लगते हैं बट मैं आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ शॉर्ट्स में, बिकॉज अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो शॉर्ट्स पहन लेता हूँ, छोटे मोटे गली वली में जाता हूँ तो मैं शॉर्ट्स पहन लेता हूँ, बट मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ ज़्यादा ही ऑकवर्ड, इट्स ऑकवर्ड, इस बंदे को इंग्लिश भी सिखानी पड़ रही है साथ साथ मुझे, इसी को लड़की को ये हिम बोलता है, तो बोलिए हमारी दुकान सामने वहाँ है, अभी बस जाके लेते हैं 3-4 नमकीन और ट्रैफिक बहुत हो रहा है, नहीं कोई नहीं आराम से जाएंगे, और दो अलग दे दो कोई और सी, एक ये दे दो, और अंकल एक ये वाला दे दो, ये देखिए हमें लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा,
बट कल ही कल में वो पूरा बिकॉज हमने पहले अंकल इससे पहले साउथ का नहीं खाया जो भी बोला। तो भाई नेक्स्ट टाइम अगर आप साउथ इंडियन खरीद रहे हो और आसपास हो तो जरूर यहाँ आना, बिकॉज मुझे लगा नहीं था अंकल की चीज़ें इतनी अच्छी होगी, बट ऑब्वियसली अच्छी है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ फिर से। ये अंकल आ गए, ये तब से एडिट करने में लगा पड़ा है बस में। बस भाई बस, पता नहीं भाई इस लड़की ने क्या कर दिया इस बंदे पे, जादू सा हो गया इसको, प्यार सा हो गया। तो और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, चलो। क्या बोला तूने?